पर सुखदेव ने कहा, हे राजन, आज आपको इस पावन कथा सुनते सुनते श्रेष्ठम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। थोड़ा बाल भोग करें, जलपान करें, आराम करें। राजा ने कहा, प्रभु जैसे जैसे इस अमर कथा का पान आप मुझे मेरे कमल रूपी कानों के माध्यम से करा रहे हैं, कोई इच्छा ही बाकी नहीं है। संपूर्ण इच्छा मेरी तृप्त हो चुकी है, केवल मन ऐसा करता है कि आप कथा सुनाते जाओ सुनाते जाओ। कल आप लोगों ने सुना, परमात्मा नारायण ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। भावानंद के यहाँ पर बड़ी सुंदर बधाइयां गाई जा रही थी, नंदोत्सव मनाया जा रहा था। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मेरे परमात्मा श्री नारायण अवतार लेकर के आए, कृष्ण का चरित्र हमको क्या दर्शाता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी मन को उदास नहीं करना चाहिए। ये हमें कृष्ण का चरित्र दिखाता है, दर्शाता है। देखो, जन्म लिया महाराज कंस की जेल में, जन्म लेते ही इनको भागना पड़ा मामा कंस से बचकर। 7 दिन के हुए पूतना आ गई मारने के लिए, स्तनों पर जहर लगा करके। 6 आयु में बड़े बड़े महाविशाल राक्षस आए। कंस ने कन्हैया को मरवाने के लिए बड़े सतत प्रयास किए, लेकिन मेरे गोपाल ने खेल ही खेल में सबका कल्याण कर दिया। 5 वर्ष की आयु में काली नाग को नाथ दिया। 7 वर्ष की आयु में इंद्र ने कोप किया, ब्रज मंडल को तहस नहस करने की कोशिश की। गिरिराज महाराज को उंगली पर धारण कर लिया। उसके बाद मथुरा में चले गए। पापी कंस ने मारने के लिए बड़े बड़े बलवान राक्षसों को बुला रखा था। परमात्मा गोविंद सबका कल्याण करते हैं, जरासंध से 17 बार हरा देते हैं जरासंध को। 18वीं बार जरासंध आता है ब्राह्मणों को पाठ पर बैठा करके। ब्राह्मणों की मर्यादा रखने के लिए गोपाल स्वयं रण छोड़ के चले जाते हैं, समुद्र में जाकर के द्वारिका बनाई रहने लगे। समुद्र में थोड़ा शांति मिलने वाली थी, पांडवों की सूचना आगे महाभारत जाके कराया। कहने का भाव क्या है, गोविंद के जीवन में एक भी दिन सुख का नहीं था, लेकिन आपने जब भी कन्हैया की कहीं प्रतिमा देखी होगी, चिंता की लकीरें नहीं, मुरली मनोहर के चेहरे पर हमेशा आपको मुस्कान ही नजर आएगी। कृष्ण का चरित्र हमको यही दर्शाता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन कभी घबराना नहीं चाहिए। आइए उसी कथा प्रसंग पर चलते हैं। उससे पहले हम अपने मन वाणी बुद्धि को पवित्र बना लें कीर्तन के माध्यम से। देखो, बहुत जरूरी है कथा में कीर्तन, ताली बजाना, नृत्य करना, यह सब कुछ जरूरी होता है। परमात्मा को रिझाओ जैसे भी रिझे प्रभु। बोले बाल कृष्ण लाल की, अब तो मेरे गोपाल का जन्म भी हो चुका है, विनती करो प्रभु से। अरे मुँह पे कृपा करो,
राधा के सजन संसार पालने वाले कृपा करो राधा की सजन संसार पालने वाले कृपा करो राधा के सजन संसार पालने वाले श्री राधे संसार की प्रगति को आप लोगों ने ही बनाया, तेरी सत्ता का हम वर्णन नहीं कर सकते गोविंद। कमल पुष्प ब्रह्मा बसत हैं, कमल पुष्प ब्रह्मा बसत हैं। हे गोविंद, तुम्हारी नाभि से एक शीतल कमल उत्पन्न हुआ, आपने उस पर विधाता को प्रकट कर दिया। वो मेरे परमात्मा विधाता की कृपा से सृष्टि का सृजन हो गया। कमल पुष्प ब्रह्मा बसत हैं, कमल पुष्प ब्रह्मा बसत हैं। शेष सैया पर लेते हैं लक्ष्मी सजन संसार पालने वाले कृपा करो राधा के सजन संसार पालने वाले हरि गो का बड़ा सुंदर मार्ग बताया। राम रूप अवतार लेकर के इस पवित्र भूमि पर तुम आए, तुमने संपूर्ण संसार को दिखा दिया पति पत्नी का प्रेम क्या होता है। माता जानकी को रावण चुरा के ले गया, शक्ति के बिना शक्तिमान कभी नहीं रहता है, पागलों की तरह वन में घूमने लगे। हे प्रभु, तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है। बनो बनो में श्री राम फिरत हैं, बनो में श्री राम फिरत हैं, बनो बनो में श्री राम फिरत हैं, ओ बनो बनो में श्री राम फिरत हैं। अरे पर्वत पे बैठे ही गिरजा सजन संसार राधा करो राधा के सजन संसार पालने वाले कृपा करो राधा के सजन संसार पालने वाले कृपा करो राधा के सजन संसार
परमात्मा, कलयुग के अंदर संपूर्ण देवों के देव महादेव भोलेनाथ के रूप अवतार रूप में आए, जिन्होंने राम की बड़ी सेवा की, सहायता भी की। आपकी तो कृपा थी गोविंद। पवन देव के सुतो बलकारी, पवन देव के सुतो बलकारी, पवन देव के सुतो बलकारी, अंजनी मैया के प्यारे ललन संसार पालन भागना पड़ा। श्री वसुदेव जी कन्हैया को गोकुल में नंदरानी यशोदा की महलों में छोड़कर उनकी पुत्री को लेकर के आए। कंस ने उसको मारना चाहा, हाथ से छूट करके आसमान में चली गई। अष्टभुजी देवी बन गई और कह गई कि तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। फिर उसके बाद कन्हैया गोकुल में रहे बाबा नंद के यहां। मेरी बात कुछ समझ में नहीं आती है प्रभु। जन्म देवकी के यहाँ लिया, लालन पालन यशोदा के यहाँ, ऐसा क्या रहस्य था? भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आप चित्त देकर के बड़े प्रेम से इस कथा को सुनिए, मैं आपके संदेह को दूर करता हूँ। नंद बाबा की आयु हो गई 80 वर्ष की, संतान नहीं थी। 60 वर्ष की माता यशोदा हो गई। बड़े विप्रों के कहने पर विद्वानों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, हवन पूजन अनुष्ठान रचाए। प्रभु कृपा से कन्या का जन्म हुआ, लेकिन कन्या वो माया थी। मेरे प्रभु के बड़े परम वीतराग भक्त थे नंद यशोदा। पूर्व जन्म में इन्होंने बड़ी सुंदर परमात्मा की पूजा की थी, तपस्या की थी। ये बड़ी रसमयी बात है। पूर्व जन्म में ये नंद यशोदा एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। बहुत गरीब हालत थी इन दोनों की। इतना संकट था इन दोनों पद पत्नियों के ऊपर। पति बेचारे मजदूरी करने के लिए जाते थे, सारे दिन की मजदूरी से शाम को भोजन खरीद कर लाते। लेकिन इनका एक बड़ा सुंदर नियम था, जब तक अपने घर में किसी संत को भोजन नहीं करा देते थे तब तक ये भोजन नहीं करते थे। इनका ये बड़ा सुंदर विचित्र नियम था।
एक बार अब ऐसे करके बस बैठ जाओ। एक बार इनके घर में भोजन बना, सुबह को भिक्षुक आया, उसको भोजन कराया, उसके बाद में पतिदेव को भोजन दिया, फिर एक पुत्र था उनका, उसको भोजन कराया, जो थोड़ा बहुत बच गया इनकी पत्नी ने पाया। और लेकिन आज शाम के वक्त एक संत उनके दरवाजे पर आए, आवाज लगाई, माता निकल करके बाहर आई। ब्राह्मणी ने कहा भगवान अंदर पधारो। संत ने कहा बेटी प्रसाद चाहिए, भूख लगी है खाने को। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए, बोले संत भगवान आप अंदर आओ ना, विराजो कुटिया में। एक अन्न का कण नहीं था घर के अंदर। यही सोचती थी मेरे पतिदेव मजदूरी करके लाएंगे खाने पीने की सामग्री तब बना करके। संत ने कहा बेटी भूख लगी है भोजन बनाओ। ब्राह्मणी अपने पुत्र को किसी सेठ साहूकार के यहाँ कुछ समय के लिए बिठा देती है, उसके बदले में भोजन सामग्री लाकर के संत को प्रसाद बनाकर के खिलाती है। न जाने पतिदेव कितनी देर में आएंगे, तब तक तो संत भूखे थोड़ी बैठे रहेंगे, क्रोध में आके कहीं श्राप न दे दें। जैसे ही भोजन की थाली संत के सामने परोसी तो संत ने कहा बेटी अपने पुत्र को बुलाओ, मैं उसको अपने साथ भोजन कराऊंगा। माता ने कहा नहीं नहीं प्रभु, पुत्र ने तो भोजन पा लिया, आप पाओ प्रसाद। बोले नहीं बेटी, जिस आंगन में कोई छोटा बच्चा हमारे सामने नहीं बैठता, हमारी थाली में भोजन नहीं करता, हम उस आंगन का भोजन नहीं पाते। माता ने कहा नहीं कोई बात नहीं गुरुजी आप प्रसाद। बोले नहीं बेटी, जिद क्यों करती हो, लाओ ना उस पुत्र को। माँ ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान मेरे पतिदेव मजदूरी के लिए जाते हैं, जो धन कमा के लाते हैं शाम को खाने की सामग्री लाते हैं उसी पैसे से हमारा यही व्यवसाय है। आज सुबह का भोजन हो चुका था हमारा, लेकिन संध्या वंदन के समय आप आए, मेरे घर में सामग्री नहीं थी भोजन की, आप भूखे न चले जाएं, इसलिए मैंने अपने पुत्र को सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया है। जब मेरे पति मजदूरी करके लाएंगे उसके पैसे देकर पुत्र को छुड़ा लेंगे, आप भोजन पाओ। हाँ संत की आंखों में आंसू आ गए, बोले बेटी तूने मेरे भोजन के लिए अपने बेटे को गिरवी रख दिया। बोली और क्या करती प्रभु। संत ने कहा बेटी तूने मेरे भोजन के लिए अपने पुत्र को गिरवी रखा है, जाओ मैं तुझे वरदान देता हूं, आगे आने वाले जन्म में वही परमात्मा नारायण तेरे यहाँ तेरा पुत्र बनकर के तेरे आगे पीछे घूमेगा। ये वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी आगे चलकर के नंद यशोदा मुनि थे। इसीलिए परमात्मा ने संत का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता है। संत के वचन को पूरा करने के लिए मेरे परमात्मा ने जन्म देवकी के यहाँ लिया, लालन पालन यशोदा नंद के यहाँ हुआ। बड़ी बड़ी सुंदर बधाइयां गाई जा रही हैं। और एक बात बताएं, 6 महीने हो गए थे बाबा नंद के यहाँ बधाई बजते बजते, लेकिन किसी को ऐसा लगता ही नहीं है 6 महीने हो गए, ऐसा लगता अभी की बात है। दिन और रात बधाई बजाई जा रही है, गाई जा रही है, बड़े बड़े नंद उत्सव मनाए जा रहे हैं। इतनी जोर की धूम मच गई महाराज गोकुल के अंदर, बरसाने में आवाज पहुंच गई। बरसाने में राधा रानी का गांव है बरसाना, ब्रशभान उनके पिताजी का नाम है, श्रुति कीर्ति उनकी मम्मी का नाम है। कोई मित्रता होगी आपस में श्रुति कीर्ति और यशोदा के अंदर, जैसे बहेली बन जाती है सहेली, आजकल तो सहेलियां हैं,
तो उन्होंने विचार किया हमारी सहेली के यहाँ लड़का हुआ है, चलो चाप दे आए। तो चाप लेकर के आ रही है बरसौनी से गोकुल के लिए। भाई देखो जोड़ना तो पड़ेगा, कथा कल चली थी जन्मोत्सव की, वहीं से लेकर के चलते हैं। बाबा नंद के यहाँ बरसाने से कुछ गोपिकाएं, और देखो ब्रज में तो चाप बड़ी धूमधाम से दी जाती है, आप सभी जानते हैं, तो वैसे भी ब्रज भूमि। तो आइए बाबा नंद के आंगन में बरसाने से लेकर के ग्वालिनी चाप लाए आई हैं, और मैया यशोदा को चाप दे रही है, बधाई गा रही है, बजा रही है, और आप लोग भी निमग्न होकर के परमात्मा गोविंद की खुशी में शामिल हो जाओ। बोले बांके बिहारी लाल की, अरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। I'm not afraid.
बोली बाल कृष्ण भगवान की। नंद के दरवाजे पर उत्सव मनाया गया। इधर पापी कंस ने अपनी एक आपातकालीन मीटिंग लगाई है। जिस मीटिंग में जितने भी बड़े बड़े बलशाली राक्षस हैं सबको बुलाया। राक्षसों ने विचार विमर्श किया है। कंस ने कहा कैसे भी हो कुछ भी हो मरना चाहिए, मेरा शत्रु जीवित नहीं बचना चाहिए। मंत्री ने कहा राजन कैसे मारोगे कैसे ढूंढोगे 84 कोस के बीच में। बोले जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है एक महीने के अंदर अंदर सबको मार दो। कंस ने यह आदेश दे दिया। सलाहकारों ने सलाह दी भगवान ऐसा करने से प्रजा नाराज हो जाएगी और प्रजा राजा की होती है, राजा प्रजा का होता है, फिर क्या किया जाए। मशवरा बनाई रहे थे कि सभा के बीच में बैठी एक बहुत विशाल राक्षसी खड़ी हो गई। बोली महाराज चिंता की कोई बात नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं ऐसा काम करूंगी कि सांप मरे न लाठी, ये भार आप मुझे दीजिए। बोले आप क्या करेंगी, चिंता मत करो महाराज, तुम्हारे बैरी को पता ही नहीं चलेगा, मैं ऐसे मार दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। इस पापनी ने बड़ा सुंदर गोपी का एक रूप बनाया, अपने स्तनों से जहर लगाया। ब्रजमंडल के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया था, जो छोटा बच्चा मिलता सबको दुग्ध पिलाती जाती है, बच्चे मरते जाते हैं। गोकुल के अंदर जब ये पहुंची इसने देखा यशोदा के यहाँ बड़ी भीड़ है, सुंदर रूप बनाए हुए अंदर भीड़ में चली गई। अब देखो भीड़ में क्या पता लगती है कौन आया कौन गया। कन्हैया जी पलना में झूल रहे थे, नेत्र खोल करके सबको देख रहे थे। अब वो तो अंतर्यामी है भाई, छोटे हो या बड़े हो, या तो रूप बना रखा अपना। और जैसे ही पूतना आई है गोदी में उठाया, मेरे गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। यह संतों ने बड़े बड़े भाव दिए ही कथा में। कन्हैया ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों किए, संत कहते हैं ये सोचा होगा नेत्र बंद करके भगवान शंकर से डोर भी लगाई होगी, अपना कनेक्शन लगाया होगा शंकर जी से। बोले महाराज मैं तो यह माखन मिश्री खाने को आया हूँ और ये जहर वर पीना मेरे बस की बात नहीं, आप ही आके पी जाओ। कहा होगा शंकर जी से, भाई मैं तो माखन मिश्री खाने वाला हूँ, मैं कोई जहर पीने वाला तो। दूसरे भाव में हम समझे या ये सोचा होगा कि देखो मैं आया तो था कल्याण करने अपने मामा कंस का और सबसे पहले मौसी आ गई। अनेक भाव जगाए हैं, हाथ में उठा करके ले गई। गोकुल से बाहर निकल करके इस पापनी ने 6 योजन लंबा रूप बना लिया, 6 योजन लंबा महाविशाल राक्षसी बन गई और अपने स्तन से कन्हैया को लगा लिया। अब एक बात और बताऊं, हर मम्मी जाने कि जब छोटे से गोद के लाला दूध पियामे ना तो छोटे से गोद को लाला बड़ा चालाक हो है। हैं? चालाक होता है। मम्मी के एक स्तन से तो अपने एक स्तन को तो मुंह में लगा लेगा, उसको दूध पिएगा और दूसरे स्तन को हाथ से पकड़ लेगा, बड़ा चालाक होता है गोद का बच्चा। कहीं ऐसा ना हो मेरे बड़ो भैया है कि मेरे दूध को पी न जाए, बचा के रखना पड़े ना, बड़े बड़े चालाक होते हैं। तो मेरे गोविंद ने वही किया, एक स्तन को मुखारबंद में दे लिया, दूसरे को हाथ से पकड़ लिया।
और मेरे गोपाल धीरे 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 दुग्ध के माध्यम से पूतना मौसी के शरीर की शक्ति को खींचने लगे। राक्षसी का तो ये ध्येय था कि ये बच्चा है, मैं इसको दूध पिलाऊंगी, दूध में मेरे विष मिला हुआ, मर जाएगा। लेकिन उसको नहीं पता था ये तो परमात्मा है। स्तन के माध्यम से मेरे गोपाल पूतना के शरीर की शक्ति को खींचने लगे। और जो देखा है आज पूतना ने कि मेरे शरीर में कमजोरी शक्तिशील होती जा रही है, क्या कारण है देखू तो सही है। बच्चा कैसा, जैसे झकझोर के बोली, ए छोड़ा छोड़ छोड़ अब हट अलग। गोपाल ने कहा, मौसी पकड़ नहीं आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं मेरे से। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं हूँ। मेरे गोविंद ने दुग्ध के माध्यम से पूतना की संपूर्ण शक्ति को खींच लिया। अब पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, छोड़ो छोड़ो। कन्हैया ने कहा, अब छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं, झंझट खत्म ही करके हटेंगे अब तो। मेरे गोपाल ने स्तन के माध्यम से दूध पीते 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 पूतना के शरीर की संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर दिया। धाम से जमीन पर गिरी। गोकुल निवासी सभी दौड़ करके आए, सभी घबराने लगे, क्या हुआ। जो मैया यशोदा ने सुना, गोपाल को उठा करके ले गई एक राक्षसी, उसने उसको स्तनपान कराया है। तो मैया दौड़ी हुई आई, सभी गोपी ग्वाल घबराने लगे। बाबा नंद मथुरा से आ रहे थे, क्योंकि मथुरा गए थे घूमने। वसुदेव ने बता दिया था, महाराज आपका यहाँ आना उचित नहीं है, आप जल्दी से गोकुल जाओ, क्योंकि मैंने सुना है रात कंस की सभा जुड़ी हुई थी, आपके लाला को मारने का बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उधर से नंद बाबा आए, आकर के देखा एक महाविशाल पर्वत के स्वरूप राक्षसी पड़ी है, जमीन पर लेटी हुई है, उसके ऊपर एक नन्ना सा बच्चा खेल रहा है। मेरा पूर्ण सच्चिदानंद भगवान कन्हैया को गोद में उठा लिया। कहते हैं पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर करके उसकी चिता बनाई थी, उसका दाह संस्कार किया। मैया यशोदा ने झाड़ फूके वालों को बुलाया, भगत जी बुलाए, तांत्रिक बुलाए, वैद्य हकीम बुलाए, देखो मेरे लाला कैसी वेदना ना गो। हाँ, मैया यशोदा इतना प्यार करती है कन्हैया से, इतना प्यार करती है, इतना दुलार करती है। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि आजकल माताएं काम करते समय अच्छे गीत नहीं गाती हैं, गाने चाहिए। मैया यशोदा जब भी काम करती हैं अपने कन्हैया का नाम रटती रहती हैं, तो ये भी एक भजन हो गया। मैया यशोदा की समान भक्ति किसी दूसरी स्त्री ने नहीं की थी। तीन भक्तियों को यशोदा एक साथ करती थी, एक साथ मनसा वाचा कर्मणा, तीन भक्तियों को एक साथ करती थी मैया यशोदा। मनसा यानी मन में सोचती थी, वाचा जीव से बोलती थी, कर्मणा हाथ से कर्म करती थी। दही चला रही है तो मन में सोच रही है, सुंदर जो माखन निकलेगा ना वो मैं अपने गोपाल को खिलाऊंगी। तीन भक्तियों को एक साथ करती थी मैया यशोदा, लेकिन आज की मैया एक भक्ति ना कर पाऊंगा। जब जब भी मेरे गोविंद इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आए, तब तक भोले बाबा सबसे पहले दर्शन के लिए आए। भोलेनाथ ने सुना, कैलाश पर्वत पर समाधि टूटी, बांगम्बर लपेटे हुए नंदी पर सवार होकर के भयंकर रूप, बड़ा विशाल रूप है, कानों में बिच्छुओं के कुंडल, गले में शेष नागों की माला, शरीर पर भस्म रमाए, जटाओं में कीड़े मकोड़े जीव जंतु, जिसको देख करके हंसने वाला भी रो जाए, डर के मारे बुखार आ जाए। आकर के मैया यशोदा के दरवाजे पर अलख जगाया, अलख निरंजन। मैया दौड़ करके बाहर आई, बोली, बाबा कहाँ से आए हो। बोले, मैया बहुत दूर से आए, क्या चाहिए। हीरे पन्ने जवाहरात मैंने सुना तेरे यहाँ लाला ने जन्म। बोली, हाँ हाँ लाला ने जन्म लिया है।
बता लाला की खुशी में क्या चाहिए, जितना चाहिए उतना ले जा बाबा, नहीं चाहिए मैया कुछ भी। और क्या एक आयो फिर बाबा, बोले जो तेरे लाला ने वाके दर्शन करा ले। मैया यशोदा ने कहा अरे बाबा तेरे रूप को देखकर मुझे डर लगता है, हो नहीं साठ वर्ष की हूँ अपनो लल्ला नात ने को बढ़ जा अगारी रे। जब मैं 60 वर्ष की हूँ तुझे देखकर के मुझे डर लगता है, तो बता मेरा 1200 का नहीं है छोटो सो लाला उसकी क्या दशा बनेगी। भोली बाबा कहते हैं मैया दर्शन करा, मैया यशोदा कहती है नहीं कराऊंगी आगे को चला जा। इधर भोले बाबा दरवाजे पर खड़े खड़े आंखों में आंसू आ गए, बोले गोपाल मैं दिन और रात तुम्हारे नाम का भजन करता हूँ, मैं मन में बड़ी अभिलाषा लेकर के आया था कि मैं अपने परमात्मा के दर्शन करके ही लौटूंगा। गोपाल पालने में पड़े हैं, दोनों का कॉन्टेक्ट हो गया आपस में आंखों में आंखों में। भोले बाबा दरवाजे से बाहर हैं, गोविंद दरवाजे के बिल्कुल सामने महलों में हैं, आंखों ही आंखों से कॉन्टेक्ट हो गया। वो दर्शन नहीं दोगे क्या? मुरली मनोहर मुस्कुरा करके बोले शंकर जी दर्शन तो मिलेंगे लेकिन मेरे दर्शन करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। बोले और क्या करूं कैसे करूं? इशारे से बता दिया कुछ देखो मैया से प्रयोजन लगा करके। बोली नहीं करती है मैया को, मैंने बहुत मना लिया, दया नहीं आ रही है मैया को, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं तुम थोड़ी देर हमारा इंतजार करो और हम स्वयं ही ऐसा एक नाटक रचाएंगे जिससे तुम्हें ये मैया यशोदा स्वयं बुलाकर के दर्शन कराएगी। इधर भोले बाबा को शांति मिल गई, भोले बाबा ने हाथ जोड़े मैया करा दे दर्शन। बोली नहीं कराऊंगी जा, अरे तुझे देख के मुझे इतना डर लगता है, मेरा बच्चा छोटा सा बच्चा, नहीं नहीं बहुत खुशामद करते हैं लेकिन मैया यशोदा भोले बाबा को दर्शन नहीं करा रहे। हो नहीं तो को दिखाओ अपनो लल्ला नाथ ने को बढ़ जा अगारी रे।
चुराइया कहे लगी यो नसुराइया तो के चुके मर रतनैया तो के चुकना अरे तेरे पर में कर नाग दे कर पाए बनवा भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित मैया यशोदा से बहुत प्रयास किया लेकिन भोले बाबा को कन्हैया के दर्शन नहीं भय आंखों में आंसू लिए भोलेनाथ रोते रोते गांव से बाहर आ गए कि झाड़ी में जाकर के बैठ गए भजन करने लगे। इधर मेरे गोपाल ने अपनी माया को रचना शुरू कर दिया। इतनी जोर का रोए हैं गोपाल जितनी भी दास दासियां महल में थी सभी आ गई सबने प्रयास किया सब अपनी अपनी गोद में झुलाती है लेकिन कन्हैया चुप होने में नहीं आता। आज यशोदा जैसे ही आई उसने देखा मेरा बेटा क्यों रो रहा है क्या बात हो गई और जो यशोदा ने गोद में लिया तो कन्हैया और जोर से रोने लगा। कन्हैया ने चारों दिशाओं में सूचित कर दिया सबको जितने भी वैद्य हकीम हैं जितने भी तांत्रिक हैं जितने ज्योतिषी सबको बुलाओ। बाबा नंद रोने लगे घबरा गए क्या हुआ मेरे बेटे को अभी तो ये बहुत अच्छा था ठीक था अब सब आकर के अपना अपना काम कर रहे हैं सब दवाइयां दे रहे हैं औषधि दे रहे हैं तांत्रिक अपना काम कर रहे हैं वेद मंत्र पढ़ रहे हैं लेकिन कन्हैया छिपहने में एक चतुर शक्ति ने कहा बहन यशोदा मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे बेटा को काव की नजर बोली बहन नजर किसकी लगेगी सभी तो मेरे महल में रहने वाली हैं सबने पहले से देख रखा है बड़ी बात ये नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया आदमी आज तेरे दरवाजे पर जरूर आया है। सोई मैया यशोदा ने कहा कि हाँ जी जी आए तो है तो बस उसी को बुला कर जहाँ मिल जाए अब क्या पता न जाने कहाँ मिलेगा वो जहाँ भी हो उसको पकड़ करके लाओ। इधर उधर शक्तियों को भेज दिया चारों तरफ गोकुल के घूम रही हैं और जाकर के देखा है एक झाड़ी में बैठ करके भोले बाबा मेरे गोविंद का भजन कर रहे हैं आंखों से आंसू बह रहे हैं क्या मैं बिना दर्शन के ही वापस चला जाऊंगा नाथ। सखी ने जाकर के हाथ जोड़कर कहा भगवान आपको माता यशोदा ने महलों में बुलाया है। बोले क्यों वो कहती है कि हमारे लाला के दर्शन। बोले अच्छा वारे गोपाल तेरी बड़ी विचित्र माया है बड़ा दयालु है मेरा कन्हैया एक बार उसके हुक्म बन गए तो देखो। सबसे बड़ी गलती इंसान की यह है कि वो प्रभु का बनता नहीं है हम एक बार उसके हो जाए ना तो सारी जिंदगी वो हमारा निर्वहन करता है। जीव की सबसे बड़ी गलती चिंता छोड़ता नहीं है चिंतन को करता नहीं है तो भगवान मिले कहां से। चिंता को हटा दिया जाए चिंतन को बढ़ा दिया जाए तो मुरलीधर दूर नहीं है वो हमेशा हमारे साथ है। भोले बाबा आए महल में आकर के जो देखा ऐसे करते करते अपनी कमंडल से झोली से भूत निकाली और जो मस्तक पर टीका किया जो बच्चा अभी तक रो रहा था वो खिल 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 करके हंसने लगा। एक मिनट में जादू टोना दिखा दिया भरपूर दर्शन किए भोले बाबा ने चरण छुए प्रणाम किया अपने कैलाश पर्वत को चले गए। धीरे धीरे मेरे गोपाल एक वर्ष के हो जाते हैं खेली खेल में चारपाई में लेटे रहते हैं कभी पालने में लेटे रहते हैं पापी कण से रोजाना किसी न किसी राक्षस को भेजता रहता है कभी तृणाव रहता है कभी शक्ति सुराता है कभी धैन का सुराता है
सबको गोपाल खेली खेले, पता किसी को नहीं चलने देते क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सबका कल्याण करते जा रहे हैं। एक वर्ष का कन्हैया हो गया, दो वर्ष के बलराम हो गए। विप्रों ने कहा महाराज पुत्रों का नामकरण, बोले हाँ भगवान जरूरी है। पापी गंज का भय छाया हुआ है संपूर्ण ब्रजमंडल में, कहीं भी छोटा बच्चा मिले तुरंत मार दो, ये मेरा आदेश है। सब अपने छोटे छोटे बच्चों को छुपा करके रखते। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, जो यादवों के विप्र हैं, हाथ जोड़ करके नंद ने कहा भगवान हमारे पुत्रों का नामकरण, बोले कर तो दूंगा लेकिन आपको छुप करके नाम रखवाना पड़ेगा। बोले छुप कर क्यों महाराज, यदि मैं उजागर नाम रखूं तो पापी कंस को पता चल जाएगा, तुम्हारे पुत्रों को मार डालेगा, उसका दोष मुझे लगेगा। जहां पर गऊ बांधी जाती है, गऊ देखो परमात्मा है, परमात्मा होने के बाद भी इतने छुप रहे हैं, हर काम छुप के कर रहे हैं कन्हैया। खरक में नाम संस्करण, यशोदा ने अपना पुत्र रोहिणी की गोद में डाल दिया, रोहिणी ने अपना पुत्र यशोदा की गोद में डाल दिया। बोले देखे तो सही है, ब्राह्मण ने कहा काबिल हुए क्या ऐसे। हाँ और जो गर्गाचार्य ने नेत्र बंद किए समाधि में गए, रोहिणी से बोले आपकी जो गोद में पुत्र पड़ा है ना देवी, इतना बोले ही थे कि कन्हैया ने गोदी से आंखों में आंखों में सारा के सुनो नहीं बताना मत किसी को मैं कौन हूँ क्या नहीं, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि मैं संतों से कभी छुपाता नहीं हूँ, तुम संत हो इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया है। समाधि में चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया था गोविंद ने, गर्गाचार्य को सब कुछ पता चल गया ये पूर्ण ब्रह्म है। बोल नहीं चाहते थे कि रोहिणी तुम्हारी जो गोद में है ये, इतना कहते कन्हैया ने आंख निकाल दी, बोले ना बताना मत छुपाओ, आंखों से हंसी बह रहे, बताओ मैं परमात्मा का नामकरण करने के लिए आया हूं, मैं कितना बड़ा पुण्यात्मा हूं। माँ तुम्हारी जो गोद में इसके हजारों नाम होंगे, कोई कृष्ण नाम से बुलाएगा, कोई श्याम नाम से बुलाएगा, कोई मुरलीधरी कहेगा, कोई गोपाली कहेगा, कोई गिरधरी कहेगा, कोई बनवारी कहेगा, हजारों नाम हरि अनंत हरि कथा अनंता। और जो संसार में किसी का नाम नहीं होगा वो इसका नाम होगा, अनेकों नामों से विख्यात होगा ये पुत्र। और यशोदा जो तुम्हारी गोद में पुत्र पड़ा है इसका एक ही नाम होगा शंकरसोन, क्योंकि ये किसी दूसरे के गर्भ से निकल कर तुम्हारे गर्भ रोहिणी के गर्भ में डाला गया। इसको बल ज्यादा होने के कारण इसको लोग बलराम भी कहेंगे, हलधर हल के समान इसका शस्त्र होगा तो इससे इसको हलधर भी कहेंगे। कन्हैया से बड़ा होने के नाते इससे लोग दाऊ भी कहा कहा के बड़े भैया से कुछ लोग दाऊ कहते हैं ना, इसके भी अनेकों नाम होंगे। नामकरण कराया भगवान सुखदेव स्वामी ने, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया, अब तो मेरे गोपाल घुटून घुटून आंगन में चलते हैं। प्यार से जब कोई छोटा बच्चा आंगन में घुटनों के बल चलता है तो आंगन की शोभा आप जानते हैं कितनी बढ़ जाती है, बड़ी सुंदर शोभा होती है आंगन की। आज मैया यशोदा लाला के पीछे पीछे घूमती है, कन्हैया ने बचपन से ही नटखटते हुए तो अपनी लीला दिखाना शुरू कर दिया। जो भी काम में मैया मन लगाती है तुरंत पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, मैया को काम नहीं करने देते हैं। वैसे तो यशोदा इतना प्यार करती है, इतना दुलार करती है अपने पुत्र से जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन एक बात तो बताएं,
कन्हैया ने भी पूछा था, मैया की गोद में लेटे हुए थे, मैया यशोदा सर पे हाथ घुमा रही थी। कन्हैया ने कहा, मैया एक बात बताओ। कि बोले बेटा क्या पूछेगा, तुम एक बात बताओ मुझसे कितना प्यार करती हो। बोले बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा करती हो। बोली हाँ। अच्छा मेरी शगुन दिखाइए मैया। बेटा तेरी शगुन में तुझसे सबसे ज्यादा प्यार। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अग्नि के ऊपर दूध रखा था गर्म होने के लिए। मेरे गोपाल ने आंखों से इशारा किया अग्निदेव को, और जो उबाल लिया दूध निकल करके जो आंगन में आया, एक शक्ति बोली, अरे यशोदा बैठी है, देखियो तेरे यहाँ दूध उबल रहा है। और जो दूध देगा, अरे दैया है मेरा दूध, लाला को फेंको आंगन में, भाग के दूध में पड़ी है। और जो यशोदा दूध में पड़ी सोई मेरे कन्हैया बिचर गए। बोले अभी तो तू ये कह रही थी कि मैं तुझसे ज्यादा किसी को प्यार नहीं करती, मतलब दूध के पीछे मुझे छोड़ दिया। कभी कभी प्रश्न आता है, दूध प्यारा होता है या पुत्र प्यारा होता है? तो माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, थोड़ी देर में पिघल जाती है। मैया रोने लगी, बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई, यहाँ पर कन्हैया बिछड़ जाते, नहीं मानूंगा आप, नहीं तू मेरी मैया ही नहीं, अगर तू मेरी माँ होती तो मुझे अपनी गोद से न फेंकती, तू मेरी माँ नहीं हो सकती। मैया ने बहुत रिझाया, बड़ा मनाया, कोई चंद्र खिलौना ला दूंगी, कभी हाथी घोड़े लाती है, कभी कुछ देती है, खेल खिलौने देती, लेकिन नहीं मानते। बाबा नंद आए, बोले बेटा बात क्या है? बोले बाबा ये मेरी मम्मी ना है, तुम मेरे पापा जरूर रह सको, आप मेरे पापा हो सकते हैं, लेकिन ये मेरी मम्मी नहीं। बोले क्यों बेटा? बाबा अगर मैं इसका पुत्र होता तो ये मुझे फेंकती नहीं। बोले बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, कन्हैया तो अपनी लीला दिखा रहे थे, काम करती है, यशोदा को काम नहीं करने देते। पीछे पीछे एक दिन मैया यशोदा ने इतना बड़ा एक डंडा लकड़ी का पीठ पर बांध दिया और दरवाजे के अंदर, बोले अब तू यहीं पड़ा रहे, अपने काम में लग गई मैया यशोदा। इधर मेरे गोपाल ने सोचा आज जैसा अवसर मुझे कभी न मिलेगा, मैया तो काम में लग गई। धीरे 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 अपने मेन गेट से बाहर आ गए, लकड़ी पीछे बंधी हुई है। नंद बाबा के मेन गेट पर दो वृक्ष खड़े थे, दो वृक्ष। अब ये वृक्ष जानते हैं आप कौन थे? ये कोई साधारण वृक्ष नहीं थे, ये कुबेर महाराज के दो पुत्र थे यमला अर्जुन। इनको श्राप लगा हुआ था, जल के अंदर ये नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, मदरा पान करना इनका धर्म बन गया था। देवऋषि नारद ने आकर के इनसे कहा कि तुम बड़े पापी हो, तुम्हारा पिता बड़ा पैसे वाला है, इसके घमंड में वरुण देवता का आह्वान है, जल के अंदर शर्म नहीं आती तुम्हें, कुछ बोल दिया होगा उल्टा सीधा घमंड में आकर के। तो नारद मुनि ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जन्म जन्मांतर ऐसा रूप मिलेगा जो हमेशा नंगे ही खड़े रहोगे। यमला अर्जुन को होश आया, चरणों में लेट गए, भगवान कल्याण कैसे होगा? बोले द्वापर में परमात्मा अवतार लेकर के आएंगे, उनकी चरण रज लगते ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वही दोनों वृक्ष नंद के दरवाजे पर आकर के बन गए। वृक्ष को कोई कपड़ा पहनाता है क्या? कोई नहीं पहनाता, वृक्ष तो हमेशा नंगा ही खड़ा रहता। कन्हैया ने ऐसे करके बीच में से निकले, दोनों साइडों के वो लकड़ी लगी, बड़े विशाल वृक्ष कन्हैया के थोड़े से स्पर्श से धड़ाम से नीचे गिर गई। और जो वृक्ष गिरे नंद यशोदा सभी गोपी बाल दौड़ करके आए, आकर के देखा उन वृक्षों में से दो महान पुरुष प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान। परमात्मा को सर झुकाया, चरण स्पर्श किए, अपने धाम को चले गए। बड़ी बड़ी बाल लीला मेरे गोपाल ने दिखाई, धीरे 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 बड़े होते जा रहे हैं। बाबा नंद पूजा के लिए बैठते पूजा में अड़चन लगा देते हैं, सालेग्राम की पूजा करते हैं बाबा नंद बड़ी निष्ठा से, कभी दही चलाते हैं, कभी माखन चलाते हैं, कभी शहद चलाते हैं, कभी दूध चलाते हैं, कभी तुलसी चलाते हैं। अब छोटा सा पत्थर, उसकी इतनी निष्ठा से पूजा करते, मीठा तो हो ही जाता है। नेत्र बंद करके, आंखों को बंद करके, आसन मार के बैठे बाबा नंद पूजा कर रहे हैं।
कन्हैया चलते घूमते आए, उन्होंने आकर के देखा मेरे बाबा पूजा किसकी करते हैं, इतनी सी गोली रखी थी सामने, शालिग्राम जी बने बैठे थे वो सामने, उस पर दही दूध मठा माखन मिश्री मेवा मिष्ठान तुलसी सब। कन्हैया ने चुपचाप उठा करके मुंह में दे लिया, पूरे भगवान जी मोहम्मद निकल गए खेलने लगे आंगन में। और जब बाबा नंद ने नेत्रों को खोला, हाथ जोड़ करके याचना ही राजन, कन्हैया बड़ी बड़ी बाल लीलाएं दिखाते हैं गोकुल में, लेकिन जैसे जैसे पापी कंस कन्हैया को मारने की योजना बनाता है, उनसे बचने के लिए गोकुल के सरदार हैं बाबा नंद, एक दिन सभी यादवों को बुलाया और मीटिंग लगाई, बोले भाई अब इस गोकुल में रहना ठीक नहीं है, हमको ऐसा लगता है अब यहाँ से हमें कहीं बाहर चलना चाहिए। सबने पूछा कहाँ जाकर के रहोगे, बोले चलो कहीं ना कहीं तो स्थान देंगे प्रभु, जिसे आज हम और आप सब लोग वृंदावन कहते ना, यहाँ कुछ भी नहीं था पहले, बिल्कुल उजड़ उबड़ खबड़ जमीन पड़ी थी, यहाँ केवल इसमें तुलसी के वृक्ष से तुलसी का बंध था ये, जिसे आज हम और आप वृंदावन कहते हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर मकान बना करके सभी ये रहने लगे। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सुंदर बाल लीलाएं दिखाते हैं, सियाने हो गए, देखते ही जमुना के किनारे जाकर के बैठ जाते हैं शाम को समय। और एक बात और बताएं आप लोगों को, जितनी ब्रज की गोपियां हैं, जो एक बार गोपाल का रूप देख लेती है उनके रूप की दीवानी बन जाती है, इतना सुंदर मनोहर रूप है मेरे प्रभु श्याम का। और ब्रज के संत कहते हैं नंदलाल अगर तुम होते लली, अरे वो तो परमात्मा ने अच्छा किया जो तुम्हें लाला बना दिया, समझ गए, वो तो प्रभु की कृपा थी जो तुमको लाला बना दिया, अगर तुम कहूं लाली बना देते ना प्रभु, हे नंदलाल अगर तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के, आप लाला हो तब इतनी बात है, जो एक बार रूप देखता है मेरे गोपाल का उसका दीवाना बन जाता है। अब खेल खेलने का नहीं है, जमुना जी पे जाके बैठ जाते हैं, बड़ी सुंदर मंडली बना रखी है, मनसुखा दामा संकील मदन बलबीर छदामी बलराम बहुत इकट्ठे कर रखे हैं अपने मित्र, और सबसे प्रेसिडेंट हैं का नहीं गोपाल, सबके प्रेसिडेंट हैं, जैसे कहते हैं सब ऐसा ही करते हैं। जमुना के किनारे बैठ जाते हैं, हाथ में क्या बोलते हैं जिससे वो टोल मारते हैं, नहीं गगरी पे गगरी, गगरी पे गगरी, गगरी पे गगरी, जल भर के जो गोपिकाएं जाती हैं, जमुना जी से पानी भर के जो जाती है ना, तो पहले इनको जेहर बोलते थे, जेहर हैं, हाँ सुनते हैं, खैर हमारे सामने की तो बात नहीं होगी, पहले की बात है, बताते हैं बड़े बूढ़े, तो जेहर पे जेहर लगा करके, जिसको जेहर बोलते हैं, गगरी पे गगरी रख करके गोपिकाएं जब चलती थी ना लाइन लगा करके, तो ब्रज की शोभा देखने के काबिल थी, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं यहाँ पर बाबा सुखदेव स्वामी, इतना सुंदर दृश्य लगता था, उनकी झाड़ी में छुप छुपा करके मेरे कन्हैया ऐसा टोल मारते थे, गगरी को फोड़ देते थे, और जैसे गगरी फूटती थी तो कोई ग्वालिनी नाराज नहीं हुआ करती थी, गुस्सा नहीं होती थी, लेकिन मन से बड़ी प्रसन्नता होती थी कि आज कन्हैया ने मेरी गगरी को फोड़ा है, मेरा बड़ा सद्भाग्य है, लेकिन दिखाने के लिए उलाहना लेकर के मैया यशोदा के दरवाजे पर जाती हैं और मैया यशोदा को उलाहना देती हैं। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या
हूँ नटखट की हो गगरिया फोड़ दी मेरी है गगरिया फोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी गगरिया है मटुकिया थोड़ी दी मेरी है अगर इनकार
कलाकार पधारे हैं, हमारे शिष्य हैं ये मनवीर सिंह मुसमुना से। ये हमारे साथ पर्सनल रहते हैं, लेकिन कोई कारण बन गया था, भाई भी हमारे भाई, कारण भी नहीं है कुछ, वो तो मेरी प्रभु की दया दृष्टि है, माता रानी की तीर्थ यात्रा के लिए गए थे भाई जी। कई बार फोन भी आया था, रास्ते में जाते हैं वहां से भी फोन करते थे, गुरुजी आऊंगा, जरूर आऊंगा, एक दो दिन के लिए अवश्य आऊंगा कथा में, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। और मजबूरी भी कुछ नहीं, मैं तो कहता हूँ सद्भाग्य ही भैया की। अरे माता के दर्शन को तो वही जाते हैं जिसको माता बुलाती है, हम क्यों ना चले जाएं, आप क्यों ना चले जाएं भैया। हम तो आपको बड़े पुण्य आत्मा समझ रहे हैं, हम तो इतने बड़े निकृष्ट हैं, हमको तो न माँ बुलाती है न पापा बुलाते हैं, आपको मम्मी ने बुला तो लिया। हम तो मन विष्णु मुसमुना से ही अच्छे कलाकार जो पर्सनल हमारे साथ में काम करते हैं। शाम माता के दर्शन से लौट करके आए हैं, तुरंत सुबह होते ही फोन आ गया, भाई जी हमारे पास गुरुजी आज सेवा के लिए जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। और अब दो दिन की कथा, आज और कल दो दिन की बची है आपके गांव में, अब दोनों दिन सेवा करेंगे भैया तुम्हारी, खूब बढ़िया तन मन से सेवा करेंगे। बड़े सुंदर बोल है इनके, बड़ी सुंदर कविताएं हैं इनके पास, और कंटिन्यू सुरीला है,
रोते को हंसा देते हैं और इनसे बच के रहना हंसते को रुला भी देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कन्हैया के मिलने से गोपिकाओं को शांति मिलती है, सुख मिलता है, चैन पड़ता है हृदय में। और यदि जो गोपी एक दो दिन कन्हैया को न देखे तो उसे ऐसा लगता है मानो क्या नहीं मिला हमें संसार में, कोई खाने की चीज भूल गए क्या, कुछ पीने की चीज भूल गए क्या। कन्हैया के दीवानी है सभी ग्वालिनी, थोड़ा सा दहिया दिखाती है, माखन चटाती है, उसी पर नाच नचाती रहती है। हैं? भगवान शिवदेव स्वामी कहते हैं राजन, मेरे गोपाल बचपन में बड़ी बड़ी सुंदर वाली लीलाएं करते हैं, पापी कंस के भेजे हुए राक्षसों को खेली खेल में सुरधाम के लिए भेज देते हैं। इधर गोपी ग्वालाओं का स्नेह प्रेम कन्हैया के प्रति बढ़ता चला गया। जैसे जैसे गोपाल बड़े होते जा रहे हैं उतनी ही सुंदर सुगत सलोनी शामली मनमोहिनी सबके हृदय को चुराने लगती है, दिल को चुरा ले जाती है। ऐसा सुंदर रूप मेरे गोपाल का बढ़ता चला गया। पांच वर्ष की अवस्था में मेरे गोपाल ने गर्मी का माहौल बना हुआ था, वन के बीच में सभी गोपी ग्वाल सोए हुए थे। आज रात के समय वन में आग लग गई। मेरे गोपाल संपूर्ण अग्नि को पी गए। किसी को ये पता नहीं चल दिया कि मैं हूं कौन, बिल्कुल साधारण इंसान बन करके रहे। गोपिकाएं कहती हैं, मैंने सुना है कन्हैया तुम चोर हो। देखो परमात्मा चोर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मैंने बताया था ना गर्गाचार्य ने कहा था जो दुनिया में किसी का नाम नहीं होगा वो इसका नाम होगा। चोर इसको कहते हैं, रणछोड़ इसको कहते हैं, छलिया इसको कहते हैं। और आगे चल करके सुनते जाना बड़े बड़े नाम पड़ेंगे इनके। पता किसी को नहीं चलने देते कि आखिर मैं हूं कौन। ग्वालिनी कोई साधारण नारी नहीं थी प्रजांगना। हमने कल भी आपको बताया था देवी देवता साक्षात ब्रजमंडल में उतर करके आए थे। देवियों ने ग्वालिनियों के रूप रखे, गौ माता बनी, देवता ग्वाल बने, ग्वाल वालों के पुत्र बने, बछड़े बने, वृक्ष बने। जब हमारे स्वामी हमको दर्शन नहीं देंगे तो हमारे चित्त में शांति आ सकती है क्या? प्रेमी से मिलने की लगन होनी चाहिए। प्रेम कौन सा पक्का है? बोले जो प्रेमी के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके रखे। प्यार वही श्रेष्ठ होता है जो अपने प्रेमी के बिना ऐसे जिए जैसे एक ही बिन जल में मछली। प्यार एक प्रेमिका दौड़ी हुई जा रही थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए, कहीं जा रही होगी। रास्ते में बैठे एक संत भगवान का भजन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। उस प्रेमिका की लगन लगी थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए, दौड़ी हुई चली जा रही है, भागती हुई चली जा रही है। पैर लग गया कमंडल जल, संत के कमंडल का जल फैल गया। जब वापस लौट करके वो प्रेम का आई तो संत ने उसको खड़ा कर लिया। बोले तू अंधी हो गई है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता? अरे मैं यहाँ बैठा भगवान का भजन कर रहा था, तूने मेरे कमंडल में
प्रेमिका ने कहा बाबा एक बात बताओ तुम्हें पक्का पता है कि मेरे ही चरण की ठोकर लगी कमंडल में? बोले हाँ मुझे पता है तेरी ठोकर लगी थी। प्रेमिका ने जवाब दिया अगर तुम्हें ये पता है कि मेरे चरण की ठोकर लगी थी तो तुम भजन नहीं ढंग कर रहे थे। अरे भजन करने वाले को तो यही पता नहीं चलता कौन आया कौन गया। मेरी लगन मेरे प्रेमी में लगी थी मुझे तुम्हारा कमंडल दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल मुझे मेरा प्रेमी नजर आ रहा था। ये होना चाहिए, प्रेम अगर किया जाए तो सच्चा होना चाहिए। प्रेम जिसने भी किया है परमात्मा के चरणों में। और एक बात और बताएं आप लोगों को, बोलिए संत भगवान की जय। बड़ा प्रेम करता हूं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम रखती हैं, लेकिन कोई ऐसा समय आए बाजार को जा रहे हैं, माँ ने कहा बेटा मेरे शरीर में दर्द होता है मेरे लिए कुछ दवाइयां लेते आना। बोले ठीक है मम्मी लेकर के आऊंगा। लेकिन जो श्रीमती जी अंदर खड़ी हैं उनकी भी दो उंगली चल गई घूंघटों में। बोले चाउमीन का पत्ता जरूर लाना। हाँ और अगर न लाए तो देख लेना। बाजार में चले गए, अब ये रटन लग रही है चाउमीन लानी है चाउमीन लानी है चाउमीन लानी है। श्रीमती जी से प्रेम करते हैं और पहले क्या कहते थे, मैं अपनी माँ को बहुत प्रेम करता हूँ। माँ वृद्ध है गई बहुत बड़ी बूढ़ी हैं, चारपाई पर लेटी रहती है, शरीर में दर्द होता है, दवा को भूल गए, लेकिन श्रीमती जी ने जो मंगाया था उसको लेकर के आई। प्रेम ऐसे नहीं होता है, प्रेम कहते किसको है। प्रेम शब्द बड़ा पवित्र है लेकिन अशुद्ध बना दिया है पापियों ने। प्यार संसार में जिसने प्यार किया है ना वो बदनाम जरूर हुआ है। और बिना बदनामी के भगवान कभी नहीं मिलता। बात बिल्कुल सत्य है मेरे भगवत प्रेमियों। आप जितने भी भक्त हैं सबको देख लीजिए, जिन्होंने परमात्मा की भक्ति में सब कुछ लुटा दिया गमा दिया। लोग कोई कहता है पागल है, कोई कहता है दीवाना है, कोई कहता है भिखारी है, कोई कुछ नाना प्रकार की व्यंग भरी बात है। मीरा जानते हैं आप, विवाह हो गया राणा कुल में चली गई। बचपन से ही मुरली मनोहर श्याम सुंदर के चरणों में प्रेम था, प्रीति थी। प्रेम इसको कहते हैं, प्यार होता है पक्का भक्त और भगवान का। ससुराल में चली गई केवल प्रेम के वशीभूत गोपाल का ही स्मरण करती रहती हैं। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और जो इसकी लगन देखी इसका प्रेम देखा, राणा जी ने कहा एक बात बता, मेरे बेटे के लिए तेरा विवाह हुआ है, तू उस गिरधर गोपाल के गुण क्यों गाती है, गीत क्यों गाती है? अरे ससुराल तो तेरी मेरे घर में है, क्या रखा है वहां? लेकिन हाथ जोड़ करके मीरा ने कहा ससुर साहब संसार में मुझे कुछ नजर आता ही नहीं है। अरे ये संसार तो झूठा है, मेरे तो नेत्र बिल्कुल बंद हैं, मुझे दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है, जिधर देखती हूँ उधर मेरा गोपाल ही नजर आता है, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया है। और जो प्यार करते हैं सच्चे वो बदनामी से कभी नहीं डरते। बदनामी तो बहुत दूर की बात, मौत से भी नहीं डरते। मैंने सच्चा प्रेम किया है,
और तुम्हें बताऊं राणा जी, मेरी ससुराल यहाँ नहीं, ये तो मेरे शरीर की ससुराल है। यहाँ विवाह किया जाता है सुंदर गोरे शरीर को देखकर चमड़ी के प्रति शादी होती है, लेकिन मेरी तो ससुराल कहीं अलग है। आज आंखों में आंसू भर के मीरा बताने लगी राणा को, तेरी नगरी है राणा, तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी
श्याम श्यामला खुश कौन है? कोई है खुश प्रेम से? भाई भाई में यदि प्रेम हो जाए, भाई भाई के प्रेम को देख करके सबसे पहले पड़ोसी जलने लगेगा, दोनों भाई में बड़ा है? बताओ प्यार से खुश कौन है? अगर देवरानी जेठानियों में प्यार रहे, प्रेम रहे आपस में, तो आपने देखा गांव गांव दो चार ऐसी जरूर मिल जाती है इया की उन्हें करने वाली। देवरानी जेठानियों में बड़ा प्रेम है, और कैसे भी मौका लगा सासू माँ तो चली गई घर से बाहर, और एक बहू घर में घुस गई। अरे तू ना जानत शकुंतला, तेरी सासियों तेरी जेठानी